और अच्छा, बहुत स्वागत आप लोगों का, बहुत धन्यवाद हमारे प्रेस के साथियों का। मैं अपने सभी प्रेस के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और बहुत दिनों के बाद हमारी आपकी मुलाकात हो रही है। आज के सबसे महत्वपूर्ण विषय पर मैं आप सबसे अपनी पार्टी के पक्ष की बात कहना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी का पिछड़ों के प्रति व्यवहार हमेशा सौतेला रहा है, और आज जो हमें देखने को मिला है ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का समय समय पर पिछड़ों के प्रति, दलितों के प्रति हमेशा सौतेला व्यवहार रहा है, और आज पिछड़ों का आरक्षण छीना है, कल दलितों की बारी हो सकती है। ओबीसी समाज का आरक्षण खत्म करके न केवल उनको धोखा दिया जा रहा है, बल्कि बाबा साहब द्वारा पिछड़े और शोषित समाज को मिले अधिकारों को छीनने का षड्यंत्र चल रहा है। केवल एक संस्था में नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका हम देखें तो हर संस्था में भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके, षड्यंत्र कर करके पिछड़ों को, दलितों को अधिकार नहीं दे रही है। ओबीसी समाज का आरक्षण खत्म करके ओबीसी समाज के आने वाली नस्लों को भी गुलाम बनाने का षड्यंत्र चल रहा है। इन समाजों का आरक्षण खत्म करके समाजों को सत्ता से बेदखल करने की भी साजिश है, और इसके लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी रूप में तैयारी करती रहती है। समाजों का आरक्षण छीन करके, और खासकर ओबीसी, दलित, उनका आरक्षण छीन करके उनकी आने वाली नस्लों को हजारों साल पीछे धकेलने का भी षड्यंत्र और साजिश सरकार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी समय समय पर पिछड़ों का तो वोट चाहती है, लेकिन सत्ता में उन्हें भागीदारी नहीं देना चाहती। कोई न कोई प्रचार के माध्यम से कुछ लोगों को फुसला करके उनके बीच संदेश भेजने का काम वोट तो लेना चाहते हैं, लेकिन जब कभी उन्हें भागीदारी देने की बात आएगी तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें भागीदारी नहीं देगी। ये जो सरकार आज भी बनी दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश में और दिल्ली की सरकार, ये पिछड़ों के वोटों से बनी सरकार है, और इन दोनों सरकारों में पिछड़ों के लिए कोई जगह नहीं है। और लगातार संस्थाओं में साजिश करके, षड्यंत्र कर करके कहीं ना कहीं उस कगार पर समाज को पहुंचा दिया कि रिजर्वेशन के लिए भी एक रेवोल्यूशन हो जाए। इसलिए समाजवादी पार्टी और हमारी पार्टी के सभी लोग का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जब तक सरकार में है उनके अधिकार सुरक्षित नहीं है। और वो बात मैं दोबारा कहता हूं कि आज पिछड़ों का छीना है, कल दलितों का भी छीनेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो सपना दिखाया था, जो सपने देखे थे, उन अधिकारों को, हक को छीनने का काम ही सरकार लगातार कर रही है। और केवल एक बार इनका सौतेला व्यवहार नहीं देखा, मुझे याद है जिस समय इनकी सरकार पिछली बार नई नई बनी थी, उस समय जो पुलिस भर्ती की सूची बननी थी, क्योंकि रिजल्ट कोर्ट में उसको शामिल था, रिजल्ट आ चुका था, किन्हीं कारणों से रिजल्ट घोषित नहीं हो पा रहा था। जब कोर्ट के माध्यम से घोषित किया गया,
तो इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो रिजल्ट घोषित किया और घोषित होने के 3-4 दिन बाद इन्होंने पूरा का पूरा रिजल्ट बदल दिया और कहा कि ये नई आरक्षण व्यवस्था है, उसके तहत नई सूची बनाई जाएगी। मुझे याद है उसमें 1700 पिछड़े और दलित नौजवानों को नौकरी मिली थी। वो 4 दिन तो खुश रहे, लेकिन 4 दिन के बाद वो खुश नहीं रह पाए, उनको नौकरी से बाहर जाना पड़ा। उस समय भी वो लोग जो नौकरी से रह गए थे, हर मंत्री के घर गए थे। लगता तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आने के बाद और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद जो नेता उसमें हैं, उनकी आत्मा मर जाती है, उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। केवल यही नहीं, 69,000 वाले में जिस तरीके से सरकार ने घोटाला किया वो एक उदाहरण है। यूनिवर्सिटियों में जिस तरीके से नौकरियां मिली हैं, आप कोई यूनिवर्सिटी उठा लीजिए। मुझे याद है बलिया में यूनिवर्सिटी समाजवादी सरकार में बनी थी, समाजवादी नेता चंद्रशेखर जी के नाम पर बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ, बांदा यूनिवर्सिटी में घोटाला हुआ। अभी यूनिवर्सिटियों में जहां भी जिस संस्था में जो लोग बैठे हैं, बड़े पैमाने पे घोटाले हो रहे हैं और बड़े पैमाने पर पिछड़े और दलित लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। उन्हें जो हक और सम्मान और जगह मिलनी चाहिए वो जगह नहीं सरकार दे रही, और केवल एक यूनिवर्सिटी में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की आप यूनिवर्सिटियां उठाकर देख सकते हैं। एक बार तो इस सरकार ने आयोग भी गठित किया, एक कमेटी भी बनाई और कहा कि इसमें पिछड़ों की गिनती होगी। उस आयोग ने, उस कमेटी ने रिपोर्ट तो दी, लेकिन वो रिपोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं की गई। और सरकार ने यह कहा, सरकार की मंशा यह थी कि क्लास 3 और क्लास 4 में कितने पिछड़े नौकरी पा रहे हैं, उनकी कितनी गिनती है उसमें। लेकिन सरकार ने अभी तक उस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया, किसी की जानकारी में नहीं लाया गया। इसलिए लगातार सरकार भेदभाव कर रही है, और जरूरत पड़ेगी और हमारी पार्टी के संगठन के लोग, पिछड़ा वर्ग का जो संगठन है उसके लोग तैयार कर रहे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो समाजवादी पार्टी पिछड़े वर्ग के साथ पूरे सहयोग और मदद के साथ खड़ी होगी, जिससे सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई लड़ी जा सके। क्योंकि सरकार पर भरोसा नहीं है, और सरकार न केवल आरक्षण पे भेदभाव कर रही है बल्कि चुनाव से भी भागना चाहती है। चुनाव को ये फेस नहीं करना चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि जनता के सामने अगर वो जाएंगे तो जनता बुरी तरह इन्हें हरा देगी। हाल में ही जो चुनाव हुए हैं उन परिणामों ने बताया है कि पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक सब वर्ग के लोगों ने मिलकर के, एक हो करके इस भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के खिलाफ वोट डाला था। चाहे वो मैनपुरी हो, खतौली हो, और रामपुर में जो बेईमानी की वो सब जानते हैं। इसी तरह राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग बना था 1994 में, उसको भी पूरा का पूरा समाप्त कर दिया सरकार ने। जो पिछड़े वर्ग को कुछ मदद मिल सकती थी आयोग से, उस आयोग को पूरी तरीके से सरकार ने समाप्त कर दिया। अभी दूसरा विषय भी, उसके बाद इकट्ठा पूछ लेना आप। मैं चाहूंगा कि अयोध्या वाले कुछ लोग हैं जो अपनी बात को रखना चाहते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आज अयोध्या से लगभग 100 की संख्या में व्यापारी बंधु आपसे मिलने के लिए आए हैं और अपनी वेदना आपके बीच में रखी है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी तक कोई चुनाव होता है तो केवल अयोध्या और प्रभु श्री राम की बात करते हैं। अगर अयोध्या और प्रभु श्री राम की बात ना करें तो मुझे लगता है
इनकी जमानत जब्त हो जाए। मैं अपने मीडिया के सम्मानित बंधुओं से कहना चाहता हूं कि आप अयोध्या आकर देखिए, व्यापारी बंधु आए हुए हैं, नए घाट से लेकर और शहादतगंज तक 13 किलोमीटर बुलडोजर चलाकर दुकानों को मकानों को तोड़ दिया गया। शाम को 7 बजे प्रशासनिक अधिकारी आते और कहते हैं आधे घंटे में सामान हटाओ। अगर आधे घंटे में किसी ने मकान नहीं खाली किया तो पूरा परिवार अयोध्या कोतवाली के अंदर और बुलडोजर पूरे मकान को तहस नहस कर देता है, दबा देता है। जो लोग 100 साल 150 साल से जिनका परिवार अयोध्या में काम कर रहा था, 1,50,000 75,000 रुपया मुआवजा दिया गया। मीडिया के सम्मानित बंधु, आप खुद सोचिए कि कई दशक जिन्होंने अपने परिवार को अयोध्या में गुजारा हो, मकान बनाया हो, दुकान बनाया हो, वो 1,75,000 1,500 में 1,50,000 में कैसे अपने परिवार का जीवन यापन करेंगे? आप सोच नहीं सकते, ये वो व्यापारी बंधु हैं। मैं इस बात को अन्यथा लेने के लिए नहीं कह रहा हूं। जब चुनाव आया था तो हमारे अयोध्या के व्यापारी बंधु नारा लगाते थे, नून रोटी खाएंगे बाबा जी को लाएंगे, नून रोटी खाएंगे बुलडोजर की सरकार लाएंगे। इन व्यापारी बंधु ऐसा कहते थे, हमारे साथ भी नहीं थे। मैं खुल के कह रहा हूं, हमारे साथ भी नहीं थे चुनाव में। लेकिन आज मानवता के आधार पर, मानवीयता के आधार पर, उनके कष्ट और दुख के समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनसे मिले, उनकी संवेदनाओं, उनकी बातों को सुना, और ये व्यापारी बंधु भी अपनी बात रखेंगे। मैं सबसे पहले भाई विजय कुमार जी हैं, मैं चाहता हूं 2 मिनट में आके अपनी बात रखें। अयोध्या के व्यापारी हैं, इन सबका मकान दुकान जा चुका है, बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया इनके मकान दुकान और सपने और व्यापार को। धन्यवाद। मैं अपनी बात यह कहना चाहता हूं, सबसे पहले हम व्यापारी हैं और हम लोगों को भुखमरा और बिल्कुल पूरी तरीके से हम लोगों को दुकान उजाड़ करके और बुलडोजर तोड़ दिया गया। इससे तो अच्छा सबसे बड़ी बात यह होती योगी जी और मोदी जी को, अगर उनको तोड़ना ही था, मुआवजा देना ही था, नहीं देते। उनको एक मिसाइल नएघाट से दागनी थी, योगी मोदी मिसाइल, और जाती शहादत कम तक सबको नस्तानाबूद करती, उनको न आदमी रहता और न मुआवजा देने की जरूरत पड़ती। क्या जरूरत थी उनको मुआवजा देने की? मैं तो यही गुजारिश करूंगा योगी मोदी से, वो मिसाइल दाग दे, अयोध्या को पूरी ध्वस्त कर दे, न वहां आदमी रहेगा न उनको बुलडोजर चलाना पड़ेगा। धन्यवाद। ये हमारे बीच में श्री हरेन सिंह खरबंदा जी हैं, आप SSB इंटर कॉलेज में केमिस्ट्री के टीचर रहे हैं। और आप सोचिए कि इंटर कॉलेज में केमिस्ट्री के टीचर और ऐसे टीचर अयोध्या फैजाबाद में रहे हैं कि सैकड़ों बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया है, ट्यूशन की फीस नहीं ली है, किताब फ्री दिया है, और अपनी स्थिति आपके सामने बयां करेंगे। वेदना यह है कि अयोध्या वासियों के साथ और फैजाबाद के लोगों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, सारा ध्वस्तीकरण हो रहा है। किसी को मुआवजा जो देना चाहिए वो ढंग का मुआवजा नहीं दिया जा रहा, विकास के नाम पर विनाश हो रहा है। बड़ी पब्लिक त्रस्त है, हम लोग बहुत त्रस्त हैं, और अधिकारियों से निवेदन है कि उसका फिर से मूल्यांकन करें, देखें क्या हो रहा है, और आप सभी लोग उसको सचेत करें, पब्लिक को बताएं कि क्या स्थिति ऐसी ही रहेगी। जो जिनके घर दुकानें मकान सब ध्वस्तीकरण किए जा रहे हैं वो कहाँ जाएं बेचारे? उनके खाने पीने का कोई साधन नहीं, उनके रहने का कोई साधन नहीं, आकाश के नीचे पड़े हैं तमाम लोग। तो इस तरह सरकार का निवेदन है, और यहाँ तक कि फिर जमीन के बारे में कहते हैं कि ये 50% जमीन है जो कि सरकार की है, उसके आप मालिक नहीं हैं। जब मालिक नहीं तो उससे रजिस्ट्री क्यों कराई जा रही है? जो मालिक ही नहीं उससे रजिस्ट्री कराने का क्या हक है? इस प्रकार से सरकार से निवेदन है कि जो हुआ रहा है, जो हो रहा है, वो सही नहीं हो रहा, उसको ढंग से किया जाए। अगर करना है, विकास करना है, तो विकास के नाम पर विकास करें, ना कि विनाश करें। और विनाश में वही दुख होता है, जैसे अभी भाई साहब ने कहा मिसाइल दाग दें, मैंने भी यही कहा था पहले कि बम डाल करके सब कुछ खत्म कर दें, किसी की वेदना रही नहीं जाए, आप अपने मन का जो चाहें वो कर लें। तो जो गुरु जी ने बात कही है वो मेन बात यह है कि अयोध्या में जो जिन लोगों की जमीन पर्चाशुदा है, पर्चाशुदा जमीन वो जमीन है जिसको आप खरीद सकते हैं, जिसको आप रजिस्ट्री कराते हैं स्टाम्प देकर। अगर किसी ने पर्चाशुदा जमीन ली तो उसका पूरा स्टाम्प दिया, 3 लाख 4 लाख इतना स्टाम्प लगा दिया है। तो जब आपने सरकार को राजस्व दिया है, सरकार को आपने स्टाम्प देकर पर्चाशुदा जमीन ली है, तो सरकार नमस्ते।
नमस्ते। बोलो। हमारा घर भी तोड़ दिया, दुकान भी, हम लोग लड़की के सियान सियान लड़की के लेकर रोड पर घूम रहे हैं। हम लोग का कोई मौजदा नहीं दिए, बोले देंगे देंगे, कोई नहीं दिया हम लोग का। अब आप ही लोग बताइए हम लोग क्या करें। 25 साल से अयोध्या भरा रहे। नमस्ते। और मकान दुकान तोड़ दिया गया, उससे बड़ी विडंबना यह है कि जो योगी सरकार के अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी, वो मुआवजे में पूरी कमीशनबाजी कर रहे हैं। मुआवजा जिसका बना भी रहे, अगर 10 लाख का मुआवजा बना तो पहले तय कर ले रहे कि 8 लाख तुम हमको दोगे। आप सोचिए कि कितनी अंधेर नगरी है जो प्रभु श्री राम की प्रजा है। राम के नाम पर राजनीति करते हैं, राम के नाम पर वोट मांगते हैं, और राम की जो प्रजा है उससे प्रशासनिक अधिकारी पूरी कमीशन खोरी कर रहे हैं। अगर 10 लाख सर्वप्रथम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय पवन जी जो हमारे स्थानीय नेता हैं, मंत्री रह चुके हैं, और आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हमें ये मंच प्रदान किया गया जिससे हम अपनी बात आप तक पहुंचा सके। आपको आश्चर्य होगा ये सुन के कि अयोध्या में जमींदारी प्रथा अभी भी लागू है। पूरे देश में 1956-57 में खत्म हो गया था जमींदारी उन्मूलन कानून, लेकिन अभी भी लागू है। कारण क्या है? वहां पर नवाबों की जमीन थी। नवाबों की जमीन को इकट्ठा करके नजूल विभाग बनाया गया और नजूल विभाग में 3 डिमार्केशन किए गए, पर्चाशुदा, पट्टाशुदा और काश्तकारी पट्टा, और इसी में पूरी अयोध्या बसी हुई है। अब इसमें हमारी कोई गलती तो है नहीं। जब मुआवजे की बात हुई है, जब डिमोलिशन की बात हो रही है, तो हमारी कोई गलती तो है नहीं। हमारी पीढ़ियां वहां रह चुकी हैं, हमारी मेरी खुद की, पूरे शहर की यही स्थिति है। और मतलब अब हमारी क्या गलती है उसमें? हमारी तो पीढ़ियां बीती हैं। हम थे, हमारे पिताजी थे, हमारे बाबा थे, उनसे पहले भी थे। और रही बात राम आंदोलन की, तो हमें कहने में कोई संकोच नहीं था कि हमने प्रभु राम के मंदिर के लिए जो भी हमसे हो पाया, क्योंकि एक बड़ा आंदोलन चला, उसमें अयोध्यावासी ही परेशान हुए। आप लोग जानते होंगे कि कोई भी जगह, जैसे आप कभी कश्मीर जाइए तो वहां पर अगर आपको आंदोलन गवर्नमेंट है चाहे वो है, लेकिन पिस्ता वहां का आम आदमी है। ऐसे ही अयोध्या में जब राम आंदोलन के सन 2000 तक जो भी घटनाएं घटी, हम ही लोग पीसे। हमें अच्छी तरीके से याद है कि वहां पे पर्यटन ही मुख्य व्यवसाय है, मुख्य व्यवसाय वहां का पर्यटन ही है। वहां पर जब पर्यटक ही नहीं आएगा तो हम करेंगे क्या? इसी तरीके से हमने अपनी जो है आजीविका चलाई। लेकिन इस आशय में जब राम मंदिर बनने का ये आदेश आया, हम बड़े प्रसन्न थे कि सब कुछ हो गया, सब ठीक है, अच्छा है, अच्छे दिन आए। तब आज हमें ये कहा जा रहा है कि आप तो कुछ है ही नहीं है, आपके कोई राइट्स नहीं है इस जमीन पे, आप यहां से जाइए। और यही हमारी व्यथा है। और अब इतना हम क्या कहें। शक्ति जायसवाल जी। भैया नमस्ते। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि सन 1934 से हमारे बाबा अयोध्या में आए थे, उन्होंने अपना व्यापार किया, अपना मकान बनाया, और इस गवर्नमेंट ने 3 महीना पहले मकान दुकान पूरा ध्वस्तीकरण कर दिया है। हमारे बच्चे कैसे रह रहे हैं, हम लोग कैसे रह रहे हैं, इस गवर्नमेंट को हम लोगों की कोई चिंता ही नहीं है। कम से कम 500 व्यापारी अयोध्या में उजड़ चुके हैं, जो रोड पे बेचारे टेंट लगा के रह रहे हैं, उनके लिए लंगर लगा हुआ है, उनके लिए टेंट में रहने के लिए उनकी व्यवस्था सरकार मतलब खुद किए हैं बेचारे। वो बहुत ही बुरी दशा है। हम आपके माध्यम से सरकार तक बात पहुंचाना चाहते हैं कि कम से कम एक उचित मुआवजा, और एक जो सरकार ने 22 के चुनाव के पहले सरकार ने वायदा किया था कि हम विस्थापित करने से पहले लोगों को स्थापित करेंगे, उसके बाद ही डिमोलिशन करेंगे। लेकिन सरकार पूरी तरह से गुंडई पे उतारू है। अयोध्या वासियों के छाती पे इसमें बुलडोजर चल रहा है। रात के 8 बजे के अंधेरे में मेरा मकान 3 महीने पहले गिरा दिया गया। हम लोग रोते बिखलाते रह गए, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। इसीलिए हम लोग आज अपनी वेदना लेकर अध्यक्ष जी के पास आए हैं। कम से कम आपके माध्यम से ये सरकार को बताया जाए कि वहां के अयोध्यावासी बहुत तरह पीड़ित हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत ही दर्द है सीने में। हमारी दुकान चली गई, हमारे बच्चे की फीस कैसे जमा होगी, हमारे माँ बाप की दवाई कैसे आएगी,
बहुत सी बातें हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन समय कम है। बस इतना कहना चाहेंगे कि हमारी आप लोग मदद करिए किसी तरह, हम लोग को जो हक है वहां अयोध्या में मिलना चाहिए। आपके माध्यम से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोगों की बात आगे तक पहुंचाएं, और आप मीडिया बंधुओं से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग हम लोगों की बातों को सरकार के काम तक पहुंचाइए। कि उनके उप मुख्यमंत्री ने वहां पर वायदा किया था चुनाव के पहले, दिनेश शर्मा जी ने जाके व्यापारियों के साथ बैठक की थी और कहा था कि आप लोगों को उचित मुआवजा दिया जाएगा, दुकान के बदले दुकान दिया जाएगा, मकान जाएगा मकान दिया जाएगा, लेकिन कहीं कुछ कोई नहीं दे रहा है। केवल भीख के तौर पर 1,00,000 रूपये दे रहे हैं कि आप किसी तरह अपना 1-2 महीना काट लीजिए, और दुकान और मकान पूरी तरह ध्वस्त कर दे रहे हैं। बस मुझे इतना कहना। बस दो लोग बचे, एक अनु गुप्ता जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी नमस्ते, प्रणाम। सभी सभा के अध्यक्ष लोग प्रणाम। सर हमको परेशानी इस बात की है कि अयोध्या में रात्र में 9:30 बजे बत्ती काट करके हमारी दुकान बुलडोजर से गिरा दी गई, जिसमें हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ और कोई सुनवाई हमारी नहीं की गई। आज तक 1 पैसे का हमको मुआवजा तक भी नहीं मिला किसी प्रकार का। काफी परेशानी हो रही है साहब, और कोई सुनने वाला अधिकारी अफसर भी नहीं है, न डीएम आ रहे हैं, न मुख्यमंत्री सुन रहे हैं हमारी बात को, न पीडब्ल्यूडी भी बात सुन रहा है, कोई नहीं सुनने के लिए तैयार है, और हमको परेशान किया जा रहा है साहब। हमारी दुकान तोड़ दिया गया, काफी परेशान। नंदू गुप्ता जी अंतिम। सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पत्रकार बंधु, अयोध्या में असंगठित अनियोजित अन्यायपूर्ण योजना से हर अयोध्यावासी त्रस्त है। सरकार की मंशा है अयोध्या के मूल वासियों को उजाड़ कर बाहर कर दिया जाए, बाहर से दिल्ली गुजरात के व्यापारियों को वहां स्थापित कर दिया जाए। तानाशाही का ये आलम है कि रात में हम लोग अपनी दुकानों मकानों की व्यवस्था कर रहे हैं, पैसे बुलडोजर आकर ढकेल ना दे, हाथ जोड़ते हैं, रुला दिया है। करीब 500-700 उधर गए हैं, आप हमारे अस्तित्व आए मात्र से हाथ जोड़ निवेदन करते हैं, हमारी रक्षा लीजिए। अभी कम से कम 1,000 उठेंगे, ये अपने डिप्लॉय से अगेंस्ट जमीन ज्यादा ले रहे हैं। राम जन्मभूमि बाजार में रात में 8 बजे ताला तोड़ और सामान उठा ले गए, जबरिया बुलडोजर चला दिए। एक ऐसे सहमत के आधार पर, लेकिन गुंडई के आधार पर पूरा काम कर रहे हैं। इनको सारी अयोध्या अवैध दिखाई पड़ रही है। ये आज का दैनिक जागरण है, इसने एजीए द्वारा जो बैनामा बनवा हुए दुकान बैनामा ऐसी गई थी, सिंचाई विभाग द्वारा अवैध है, डिमांड इसकी जाएगी। हम व्यापारी कहाँ जाए, हजारों विस्थापन लगाते हैं, दर्द का आलम में है। जिसकी दुकान उधर गई है वो सर सुनारे बैठ के उस अपनी जमीन से दुकान को निहारता रहता दिन रात भर। आप आइए एक बार अयोध्या देखिए, हर 10 कदम पे आपको जो आदमी मिल जाएंगे जो निहारते हैं, हाथ धोने बहुत ज्यादा ताना भाई, इतनी उम्र गई हम कभी नहीं देखे हैं अपने 45 साल की उम्र में। निवेदन है किसी हिसाब से मदद कीजिए, धन्यवाद। मैं सिर्फ एक बात करके अपनी बात खत्म करूंगा। जितने भी अयोध्या के व्यापारी आए, सिर्फ हम यही चाहते हैं कि जिस तरह से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक्सप्रेसवे बनाया था तो जमीन का सरकी रेट बढ़ाया और 4 गुना ज्यादा मुआवजा दिया, किसान खुश हुआ, किसान कोई तकलीफ नहीं हुई। चुनाव के समय उत्तर प्रदेश के उस समय के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी गए थे और उन्होंने अयोध्या के व्यापारियों के साथ बैठक की और कहा कि आप लोग विश्वास करिए, हमको योगी जी ने भेजा है और योगी जी ने संदेश भेजा है कि हमारी दोबारा आप लोग सरकार बनाइए, और सरकार बनने के बाद अब अगर आपसे हम दुकान लेंगे चौड़ीकरण के नाम पर तो आपको दुकान के बदले दुकान देंगे, आपको मकान के बदले अच्छी जगह देंगे जिससे आप मकान बना सकें। आप जाकर देखिए हनुमानगढ़ी के सामने जो लड्डू वाले थे सब हटा दिए गए, बुलडोजर चल गया, कोई कुछ नहीं कर पाया। अब उनको दुकान कहां देने की बात हो रही, टेढ़ी बाजार पे। हमारे कुछ लोग यहां अयोध्या के रहने वाले बैठे पत्रकार बंधु, बताइए आप खुद सोचिए कि टेढ़ी बाजार से कौन लड्डू लेके हनुमानगढ़ी जाएगा, कोई नहीं जाएगा। आज ये व्यापारी जो रो रहे हैं बिलख रहे हैं, इनके परिवार का क्या होगा, ये दोबारा अपने व्यापार को नहीं स्थापित कर पाएंगे। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, भाजपा तो ये चाहती है कि प्रभु श्री राम की जो ओरिजिनल प्रजा है, जो ये व्यापारी हैं, ये चले जाएं बिहार और झारखंड,
वो गुजरात के व्यापारियों को ला करके पूरी अयोध्या में कारोबार करना चाहते हैं। गुजरातियों को और जो चंदा देने वाले भाजपा के लोग हैं उनका होटल, उनका रिसॉर्ट, उनका मठ बनाना चाहते हैं और अयोध्या के लोगों को कहीं दूर भेज देना चाहते हैं। और आज पूरी अयोध्या इसी से तानाशाही से परेशान है। और उसके बाद हद तो तब है कि जब इनके प्रशासनिक अधिकारी गुंडों जैसा व्यवहार कर रहे हैं व्यापारियों से, अयोध्या की आम प्रजा से, और वसूली चरम पर है। कई प्रमाण हैं, अगर जरूरत पड़ जाएगी तो इसका प्रमाण दे देंगे कि जिनका मुआवजा बना है उनसे लेखपाल से लेकर और बड़े अधिकारी तक, तहसीलदार, एडीएम, बाकायदा पैसा ले रहे हैं और ऊपर तक जा रहा है। बताते हैं ऊपर जाएगा तभी मुआवजा आएगा। अब इसका जवाब भाजपा को देना चाहिए कि मुआवजे में से अगर 4 लाख बना तो 3 लाख ये प्रशासनिक अधिकारी ले रहे हैं, पैसा ऊपर कहां जा रहा है। ये हाल है कि मतलब मरते समय कफन भी नोच ले रहे हैं अधिकारी मिलकर के। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का हाल है कि एक तो मुआवजा कम मिल रहा है, उसके बाद उस मुआवजे में भी कमीशन खोरी चल रही है। आज ये सारे लोग बहुत उम्मीद के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास आए हैं और जब भी आने वाले समय में अगर हमारी सरकार बनेगी तो हमारा आपसे निवेदन है कि ये जो व्यापारी ठगे छले जा रहे हैं इन पर दोबारा कोई कानून नियम बना करके इनको मुआवजा देके इनकी रोजी रोटी और दुकान स्थापित की जाए। धन्यवाद। मैं अपने अयोध्या से आए हुए व्यापारियों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि वे जिस तरह के डर और भय के माहौल में वो रह रहे हैं, उनका जो कुछ उनके पूर्वजों ने बनाया, उनके परिवार के लोगों ने जो कुछ बनाया, कारोबार किया, आगे बढ़ाया, वो सब का सब बर्बाद कर दिया सरकार ने। मुझे समय समय पर व्यापारी पिछली बार भी बुलाते थे, कहते थे कि आप अयोध्या आकर के अपनी आंखों से देख लें, वो जगह देखिए जो पहले आपने कभी देखी होगी और आज क्या हाल कर दिया है। मैं सरकार से कहूंगा कि जो उचित मुआवजा, हालांकि उचित मुआवजा भी कोई शब्द नहीं है, मैं सरकार से कहूंगा कि इन व्यापारियों का जो नुकसान हुआ है, भगवान श्री राम जी की जगह है, इन्हें ज्यादा से ज्यादा मुआवजा देकर के इनकी मदद की जाए और जिस स्थान पे वो रहते थे उस स्थान की कीमत कोई नहीं हो सकती है। इसलिए व्यापारी जहां जाना चाहें, अगर आप नहीं उनको हटा रहे वहां से, या आसपास जो भी सरकारी जगह हो वहां पर इनके लिए जगह उपलब्ध करा करके, जब ये मंदिर के पास इतना रह रहे थे तो उस जगह की कोई कीमत नहीं हो सकती है। इसलिए सरकार इनकी बात सुने, सरकार इनकी मदद करे। सरकार के हाथ में है, जितना चाहे वो मदद कर सकते हैं। जब मंदिर के नाम पर हजारों करोड़ रुपए चंदा ले सकते हैं तो उसी हजार करोड़ में इन व्यापारियों की मदद क्यों नहीं कर रहे हैं आप। इसलिए सरकार इनकी मदद करे। और जहां अगर अयोध्या का, क्योंकि हमारे साथी कई बार बोले कि आप देखें खुद आकर के, मैं पवन पांडे जी और पार्टी के लोगों से कहूंगा कि 27 जनवरी को जरूर मुझे दिखाना कि क्या नुकसान हुआ है व्यापारियों का। मैं 27 जनवरी आपके साथ चलूंगा। जहां तक आरक्षण का सवाल है और जिस पर सरकार समय समय पर गुमराह कर रही है और इस कगार पर खड़ा कर दिया है कि पिछड़े और दलित मिलकर के एक आरक्षण का या रिजर्वेशन का रेवोल्यूशन तैयार करें, आंदोलन तैयार करें, मैं सरकार से कहूंगा कि सदन बुला करके उन्हें बहस करनी चाहिए। जब उनकी नियत साफ है तो सदन बुलाएं और सदन में अपनी जो पक्ष है वो पूरा का पूरा साफ रखें। और जो हम लोगों ने देखा है इधर पिछले कई वर्षों से, चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती हो, पिछड़े और दलितों के हक मारा गया हो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के ओर से खंड शिक्षा अधिकारी जिसमें कई पदों पर पिछड़ों के साथ भेदभाव हुआ हो, उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय जिसमें पिछड़े और दलितों की नियुक्ति में न जाने कितने बड़े पैमाने पर अनदेखी और घोटाला हुआ है, और जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है जिसकी लगातार जांच चल रही है, एसटीएफ जांच कर रही है, उसमें इतने बड़े पैमाने पर घोटाला है जिसकी हम और आप लोग कल्पना नहीं कर सकते, नियुक्तियों की हो, अपॉइंटमेंट्स की हो। और सरकार ने जहां भी अपॉइंटमेंट किया है वहां पिछड़े और दलित को कोई हक और सम्मान नहीं दिया है। निजीकरण लगातार चल रहा है और जब निजीकरण होगा तो आखिरकार होगा क्या अंतर्गत,
किसका हक मारा जाएगा। इसलिए हमारी आपके माध्यम से सरकार से है कि सरकार तुरंत सदन बुलाए, कम से कम अपना पक्ष रखे और हमें अभी अपना पक्ष रखने का मौका दे। और जहां जनगणना का सवाल है, समाजवादी पार्टी की हमेशा मांग रही है कि जाति जनगणना हो, जाति जनगणना कराई जाए। बिना जाति जनगणना कराए किसी को हक और सम्मान नहीं मिल पाएगा। नहीं, कोर्ट का हमें कोर्ट पर भरोसा करना पड़ेगा, हमें कोर्ट पर भरोसा करना पड़ेगा। सब ओबीसी पूछेंगे, कोई और भी पूछेगा सवाल? यहां क्यों भेदभाव कर रहे हो भाई ओबीसी वालों? तुम ये यात्रा नहीं है, ये इस कगार पे खड़ा कर दे रहे हैं कि पिछड़े और दलित मिलकर के रिजर्वेशन रेवोल्यूशन की तरफ मुड़ जाएं। कहां भेदभाव नहीं है, हर जगह भेदभाव है। और जो व्यापारी बता रहे हैं, अभी अयोध्या के लोग बता रहे हैं, मुझे तो ये लगता है कि कारोबार और उद्योग में गुजरात के लोगों के लिए आरक्षण कर दिया गया है। यहां आरक्षण खत्म हो रहा है, किया जा रहा है, साजिश की जा रही है, लेकिन कारोबार और व्यापार में गुजरात के लोगों के लिए विशेष आरक्षण दिया जा रहा है। अब सरकार तो हमारी है नहीं, और भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर कहा कि हम न्याय देंगे पिछड़ों को, और हमारी अब मांग है, और पहले भी मांग थी, और मैंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा था कि जाति जनगणना समाजवादी सरकार बनने पर की जाएगी और 3 महीने में करके दिखाई जाएगी। तो आज सरकार पीछे क्यों हट रही है? चुनाव से भागना चाहती है सरकार, क्या पिछड़ों का हक मारना चाहती है? और आज पिछड़ों का मारा गया है तो कल दलितों का भी हक मारेगी सरकार। और जितने भी सरकार के फैसले हैं, उन फैसलों से यह नजर आता है कि पिछड़े और दलितों की अनदेखी हो रही, बड़े पैमाने पे उनके साथ भेदभाव हो रहा है। आप बताइए, जितने भी अपॉइंटमेंट हुए हैं, एक वाइस चांसलर के खिलाफ कितनी जांचें हो रही, क्या हुआ, कहां चल रहा है बुलडोजर? क्या बुलडोजर चलेगा उनकी संपत्ति पर? जो संपत्ति उन्होंने कमाई, क्या उस पर बुलडोजर चलेगा? और जो अपॉइंटमेंट्स किए गए, आप देखिए उसमें पिछड़े और दलितों का क्या अपॉइंटमेंट है उसमें? अगर कोई अपॉइंटमेंट हुआ हो, टेक्ला यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं मैं, और जो स्टेट यूनिवर्सिटीज में जो लोग बैठे हैं, क्या वो भेदभाव नहीं कर रहे हैं? और इसीलिए भेजा गया है कि वो भेदभाव करें, चाहे वो झांसी की यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो कानपुर की हो, चाहे इलाहाबाद की हो, चाहे लखनऊ की हो, चाहे फैजाबाद की हो, चाहे बांदा की हो, चाहे आपकी बलिया की हो, चाहे सैफई की मेडिकल यूनिवर्सिटी हो, क्या भेदभाव नहीं हो रहा? और चाहे अपॉइंटमेंट्स हो रहे हो, उसमें भेदभाव नहीं है क्या? जब पिछड़ों का वोट चाहिए तो पिछड़ों के लिए न जाने क्या क्या सपने दिखाएंगे। आज जब वोट दे दिया पिछड़ों ने, तो पिछड़ों को कोई हक और सम्मान नहीं मिलेगा। नहीं, मुझे ये बता दीजिए, अगर आप ग्लोबल समिट से भागिए मत और विषय से मत भागिए, पहले इसी पे पूछ लीजिए आप, और ग्लोबल समिट में मैं अलग से प्रेस करूंगा, क्योंकि बहुत सारी आपके बीच में भी चर्चा होंगी जिनके बारे में आप बात नहीं करना चाहोगे। ग्लोबल समिट पे अलग पे बात होगी, लेकिन अभी तो इसी पे सवाल है। देखिये, टेक्निकल क्या हो रहा है ट्रिपल टेस्ट? हाँ, कई राज्यों में भी इस तरह के मुद्दे आए हैं जहां पे
ओबीसी का आरक्षण इसके चलते प्रभावित हो रहा है, तो क्या इसके लिए संविधान संशोधन की मांग करेंगे? समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिए, निर्देश दिए, उन निर्देशों का पालन स्टेट गवर्नमेंट ने क्यों नहीं किया? इसीलिए नहीं किया क्योंकि चुनाव से भागना चाहती है सरकार, चुनाव को फेस नहीं करना चाहती, क्योंकि आज जनता नकारात्मक राजनीति को दूर कर चुकी है। आपने मैनपुरी का परिणाम देखा, मैनपुरी में पुलिस फोर्स चुनाव लड़ रही थी, अधिकारी चुनाव लड़ रहे थे, खतौली में किस तरीके से दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक और मुसलमान भाई सामने आ गए, उन्होंने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को वहां पर हराया। और रामपुर का क्या हमने आपने नहीं देखा? रामपुर में भी चुनाव समाजवादी पार्टी जीती। ये जो परिणाम मिला ये कागजी परिणाम है, केवल रिजल्ट दे दिया कागज पर, ये जनता का परिणाम नहीं है। आपने पुलिस फोर्स लगा करके वहां पर वोट नहीं डालने दिया। तो ये सरकार लगातार भेदभाव कर रही है और यूं कहे कि ये सामाजिक न्याय की दुश्मन है भारतीय जनता पार्टी। क्या इन्हीं के नेता ने नहीं कहा कि झापड़ मार के या क्या आरक्षण छीन थप्पड़ मार करके क्या है उनके पिछड़े नेताओं की आत्मा क्या कह रही है? अब उसको तो खत्म कर दिया पिछड़ा आयोग सरकार ने, कहां बनाया ना, कहां सुन रहे पिछड़े आयोग की। ये चुनाव से भागने की सब तैयारियां हैं क्योंकि जहां डेंगू हो रहा वहां इनके नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, कूड़ा भरा पड़ा है, नालियां भरी पड़ी हैं, सीवरेज सिस्टम नहीं चल पा रहा है, ट्रैफिक जाम जगह जगह पर है। इन्होंने किया क्या है पिछले कितने वर्षों से? ये नगर पालिकाएं या टाउन एरिया या मेयर के कब्जा किया है। कानपुर में तो धूल धक्कड़ इतना उड़ रहा है कि पेड़ नहीं पहचान सकते आप, पेड़ों पे इतना गर्दा है। आप बताइए कूड़े के नाम पर कितना पैसा इकट्ठा किया सरकार ने, नालों के नाम पर कितना पैसा इकट्ठा किया, नमामि गंगे के नाम पर कितनी गंगा और यमुना सफाई के साथ। तो सवाल यह है कि पिछड़े और दलितों का हक मारा जा रहा है। मैं आपका ये सरकार बताए, इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि सरकार सदन बुला ले, जो बात आपके माध्यम से हमसे पूछवा रही है सरकार, सरकार सदन बुलाए। मैं आपसे पत्रकार साथी सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं, मैं केवल ये जान मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सदन सरकार क्यों नहीं बुला लेती है? तीन दिन बुलाया, दो दिन रहे सदन में, छह घंटा चलाया, छोड़ के चले गए। और ये जो जो अन्याय हो रहा है, अधिकारी हत्याएं करा रहे हैं, ये याद रखना आप। कन्नौज में अगर जो हत्या हुई है उसके जिम्मेदार वहां के अधिकारी हैं, वहां की विधायक है, ये विषय आज का नहीं है। लेकिन मैं आज से कहना चाहता हूं सरकार हत्याएं करा रही है। हम तैयार हैं, आपके मोबाइल पर अगर इन्विटेशन हो तो मुझे अभी तुरंत दे जाए। भावना से, हमारी भावना उनके यात्रा से है, हमें कोई इन्विटेशन नहीं मिला। हमारी पार्टी का सिद्धांत अलग है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक हैं। क्या हाल है? थैंक यू सो मच। आज केवल पिछड़ों से सवाल पूछा।